हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप रैपिपे के साथ काम करना चाहते होंगे दोस्तों, तो किस तरह से रैपिपे के साथ रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आप इसके साथ काम करके और आशा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि रैपिपे में क्या क्या सर्विस मिलता है और रैपिपे में कैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ये सब जानकारी को डिटेल्स में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अपने चैनल पर न्यू आ रहे होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, ये मेरा रैपिपे का मोबाइल एप्लीकेशन शो हो रहा है। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो उसके बाद कुछ इसका इंटरफेस आप लोग के सामने इस टाइप से शो होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैपिपे में फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं लॉगिन विथ RMN। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद कुछ इंटरफेस आप लोग के सामने ऐसा शो होगा। यहाँ देख सकते हैं रैपिपे सिंपल है का लोगो आएगा। और दोस्तों, उसके बाद इस वाले कॉलम में आपको अपना रैपिपे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना होगा और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड को फिल करके सिंपली लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर लिए हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लिए हैं। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इंटरफेस ऐसा शो होगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो शो होगा और इस नंबर पे एक OTP गया होगा। उस OTP को सिंपली आपको इंटर OTP वाले सेक्शन में फिल करना होगा और उसके बाद सेट लॉगिन पिन, यहाँ पर आपको 6 अंक का कोई भी पिन बनाना होगा और सेम पिन आपको इस वाले सेक्शन में भी फिल करके और सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे हमको जो ये मेरा नंबर है इस नंबर पे एक OTP गया होगा रैपिपे के तरफ से। उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेते हैं और यहाँ पे हम 6 अंक का लॉगिन पिन फर्स्ट में सेट कर लेते हैं और सेम इस वाले कॉलम में भी आपको सेम पिन फिल करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ से पहले हम ये सब कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ गया था और उस OTP को हम यहाँ पे फिल कर लिए हैं और यहाँ पे आपको ये दोनों कॉलम में सेम 6 अंक का कोई भी ट्रांजैक्शन पिन बनाना होगा। तो चलिए यहाँ से हम पिन को सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सारा चीज़ को सही सही से फिल कर लिए हैं। ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और इस नंबर पे जो OTP गया है उस OTP को यहाँ पे फिल कर लिए हैं और देखिए सेट लॉगिन पिन वाले सेक्शन में दोनों में हम सेम पिन को फिल कर लिए हैं। उसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आज आप लोग के सामने एक मैसेज शो होगा, यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। सिंपली आपको ओके वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप ओके वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद फिर आप लोग के सामने कुछ इंटरफेस इस टाइप से शो होगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपका हेलो शो होगा और उसके बाद आपका नाम शो होगा और सिंपली आपको इंटर लॉगिन पिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो आप 6 डिजिट का लॉगिन पिन बनाए होंगे उस पिन को यहाँ पर फिल करना होगा। तो जैसे ही आप उस पिन को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, आप रैपिपे के मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर वेब पोर्टल में लॉगिन हो जाइएगा। तो चलिए यहाँ से हम पिन को फिल कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम अभी रैपिपे के मोबाइल एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं रैपिपे का लोगो शो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप रैपिपे का रिटेलर आईडी या दोस्तों उसको आप एजेंट आईडी भी बोल सकते हैं, वो अगर आप लीजिएगा तो उसमें आपको सर्विस क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सबसे पहला सर्विस इसमें मिलेगा तो क्रेडिट रिक्वेस्ट, यानी कि आप
अपने वॉलेट में पैसा को क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट टू नेटवर्क, उसके बाद देख सकते हैं साथी टू साथी इंटर नेटवर्क और एजेंट लेजर, यहां से आप लेजर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रपी पे वॉलेट टू फंड ट्रांसफ़र, बीसी फंड ट्रांसफ़र इंडो नेपाल, यहां से दोस्तों आप नेपाल में भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद AEPS और दोस्तों AEPS 2, इसमें भी दो बैंकों का AEPS सर्विस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद MATM और MPOS, यहां पे इसका भी आपको सर्विस दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, यहां से आप रिचार्ज का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। और उसके बाद टैक्स पेमेंट, यहां से आप टैक्स का भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैश कलेक्शन, यहां से आप CMS का भी सर्विस कस्टमर को दे सकते हैं और उस पर भी आशा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा पेंडिंग या रिफंड, और दोस्तों उसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, और दोस्तों रिमिटिक्स फॉर लोड, ये सब सर्विस आपको रपी पे के मोबाइल एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप रपी पे का रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते होंगे दोस्तों, वो भी ऑल ओवर इंडिया, अगर आप इंडिया में कहीं से भी होंगे और आप रपी पे के साथ जुड़ना चाहते होंगे तो आप हमारे थ्रू जुड़ सकते हैं दोस्तों, बहुत कम दाम में और बेस्ट सपोर्ट के साथ। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं कि आपको आईडी लेने के लिए क्या करना होगा और कैसे आपको हमसे संपर्क करना होगा। रपी पे का आईडी लेने के लिए दोस्तों जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, सिंपली आपको इसी नंबर पे कॉल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है और वहां से आपको डिटेल्स ले लेना है कि रपी पे का रिटेलर आईडी में क्या चार्ज देना होगा और दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, और रपी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में क्या चार्ज देना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। तो फ्रेंड अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी होंगे दोस्तों और रपी पे के साथ जुड़ना चाहते होंगे तो किस तरह से आप रपी पे का रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।